खेत की रक्षा कर, और उसी ने धन को लूट लिया, खेत को फसल को चोरी कर लिया, तो क्या फायदा है? तो गुरु इसलिए बनाया था गोविंद की तरफ ले जाए, और उसने तो गोविंद से हटा दिया बिल्कुल। लोगों ने घरों से मूर्तियां बाहर निकाल दी पंजाब में, भगवान की मूर्तियां घर से बाहर फेंक दी, इतना पाप कराया गुरुओं ने कराया। तो महाराज सुखदेव जी ने उस तोते ने कथा सुनी है, इसलिए मैं उसको मानूंगा। विदव्या से खूब हंसे, शंकर जी ने कहा मेरे को क्रोध आ रहा है और आप हंस रहे हैं, क्या बात है? बोले महाराज बात यह है कि जिसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया। बोले हाँ अमर हो गया, तो जो अमर हो गया वो त्रिशूल से मरेगा आपके? शंकर जी ने कहा हाँ ये बात तो हो। वेदव्यासी ने कहा भगवान की इच्छा ऐसी ही थी, भगवान की इच्छा मानकर श्री कृष्ण की इच्छा ऐसी थी कि भोलेनाथ ये भी सुने। भगवान शंकर लौट गए भगवान की इच्छा मानकर, वही सुखदेव जी वेदव्यास जी के घर में प्रकट करते हैं जिन्होंने अमर कथा सुनी, जो श्री राधा जी के साथ गोलोक में रहते हैं निरंतर, राधे 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 निरंतर बोलते रहते हैं, वह सुखदेव जी अमर कथा सुनते हैं और फिर वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश करते हैं और वहां से जन्म लेते हैं। लेकिन एक ऐसा बालक जो जन्म लेते ही भाग गया है, बहुत से बच्चे भागते हैं, भजन करने को भी भागते हैं, भोगों के पीछे भी भागते हैं, भोगियों के पीछे भी भागते हैं, बच्चे भी भागते हैं, बच्चे भी भागते हैं, लेकिन बड़े होकर भागते हैं। कोई नौकरी करने के लिए भागता घर से, कोई शादी के लिए भागता है महाराज, कोई कोई है भजन करने के लिए भागते हैं, लेकिन बड़े होकर भागते हैं भजन के लिए। लेकिन सुखदेव जी ऐसे हैं, बालक हैं, जो जन्म लेते ही भाग गए। बच्चे का जन्म हुआ है, इधर बधाई बट रही है, इधर जो है बाजे बज रहे हैं, उधर से पीछे से बच्चा भाग गया, पीछे से पीछे भाग गया जंगल में। वेदव्यासी से कहा बंद करो बाजे, क्यों? जिसके लिए बाजे बजा रहे हैं वो मुन्नू तो भाग गया, वो कुछ ही भाग गया, कहां भाग गया? अपेत कृत्यम, अपेत कृत्यम मतलब कोई कृत्य नहीं हुआ। 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कारों में से जो पहले संस्कार होता है नालोच्छेदन, कौन संस्कार होता है? नालोच्छेदन। एक नली जुड़ी होती है बच्चे के पेट से, आप लोग अगर मां बनी हो तो आपको पता होगा, बच्चा जन्मता है एक नली जुड़ी होती है उसकी नाभि में। जी नहीं बने, कोई मां नहीं बनी आप में से? बने तो बच्चे के पेट जब जन्मता है बच्चा तो नली जुड़ी होती है उसके पेट में, होती नहीं होती? तो बताते हमें क्या पता, हम तो मां बने नहीं, हमने तो पढ़ा है ऐसा लिखा है, कैसे बता दिया? वो बच्चे की नली को काटते हैं, दाई काटती है, नर्स काटती है। वो बच्चे की नली गर्भ में क्यों होती है? क्योंकि खा तो सकता नहीं, उसके लिए फूड सप्लाई का काम करना है, तो भगवान ने एक पाइपलाइन डाल दी। कितनी कृपा है भगवान की, गर्भ में ही पाइपलाइन डाल दी। देखते कि मां के शरीर से लिक्विड फॉर्म में बच्चे को खाना बोलो मिलता रहेगा। बच्चे के दांत नहीं है, बच्चा खा नहीं सकता, तो बच्चे को भोजन कहां से मिलेगा? बच्चे को भोजन मिलेगा जो मां खाएगी, उसी का रस बच्चे को उस पाइपलाइन से मिलता रहेगा। इतनी सुंदर व्यवस्था भगवान की, बहुत सुंदर व्यवस्था। तो प्रभु ने पेट में ही आपको भोजन दिया, मां के पेट में थे वही, तो बाहर आए तो भोजन नहीं देगा क्या? बोलो, जब मां के पेट में आपका पेट भर दिया तो बाहर नहीं भरेगा? पेट ही में जब पेट भरो, अब पेट की खातिर क्यों भटके? संत कहते पेट में ही जब पेट भरा तो पेट की खातिर क्यों भटके, क्यों भटकता है भाई?
मां के पेट में ही भगवान ने पेट भर दिया, मां के पेट में ही भगवान ने व्यवस्था कर दी। कितनी सुंदर व्यवस्था है। तो मां के पेट में जब बच्चा होता है तो वो पाइपलाइन के द्वारा बच्चे की नाभि से, पहले नाभि बनती है ना, एक पिंड बनता है, तो बच्चे की नाभि से फिर हाथ पैर बनते हैं, बाद में वो पाइपलाइन डालते हैं, वो नालोच्छेदन, वो नल को, वो नली को फिर काट देते हैं, क्योंकि अब तो वो मां के दूध पिएगा बच्चा, तो मां का दूध पिएगा, अब उसको वो नली की जरूरत नहीं है, उसको काट देते हैं। तो वो संस्कार होता है, उसको नालोच्छेदन संस्कार कहते हैं, पहला संस्कार वो होता है 16 संस्कारों। लेकिन वो संस्कार भी नहीं हुआ और बच्चा भाग गया, वो घसीटते हुए जा रहा है उस नली को, घसीटते घसीटते हल्ला मच गया, बच्चा कहां गया कहां गया। ऐसे त्यागी वैरागी सुखदेव जी महाराज बचपन से ही चले गए, क्योंकि भगवान की माया अगर लग जाएगी तो भजन नहीं होगा, बड़े होकर माया लग जाएगी, लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर शादी ब्याह करेंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर तो फंस जाऊंगा मैं, इसलिए बचपन से ही सावधान है, बचपन से ही घर से भाग गए। ऐसे महापुरुष सुखदेव जी हैं, और परीक्षित परीक्षित भी बड़े महापुरुष हैं। किस कुल में इनका जन्म हुआ है, श्रोता वक्ता का परिचय होता है, पांडवों के कुल में इनका जन्म हुआ है, भरत वंश में इनका जन्म हुआ है, युधिष्ठिर से छोटे भीम, भीम से छोटे अर्जुन है, अर्जुन के पुत्र हैं, क्या नाम है, अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हैं। भगवान ने मां के पेट में इनकी रक्षा की, उत्तरा के पेट में जब परीक्षित थे तो भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से इनकी रक्षा की। ऐसे परीक्षित महाराज बहुत अच्छे महापुरुष हैं, भगवान का दर्शन मां के पेट में ही कर लिया, ऐसे महापुरुष परीक्षित हैं। उन्होंने भी भगवान का दर्शन किया है सुखदेव जी ने, और इन्होंने भी भगवान का दर्शन किया, दोनों भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, साधारण नहीं, जिनसे भागवती गंगा, ये ज्ञान गंगा प्रवाहित हुई, वो दोनों पात्र ऐसे हैं श्रोता वक्ता उच्च कोटि के, दोनों भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, दोनों का जीवन बड़ा पवित्र है। एक दिन परीक्षित जा रहे थे जंगल में शिकार के लिए, वहां पर देखा कि गौ को पीट रहा है एक दुष्ट, गौ को कष्ट दे रहा है, और जो बैल था, बैल के तो तीन पैर ही काट डाले उसने, ऐसा दुष्ट था, बेस उसका छत्री का था लेकिन बड़ा पाप कर रहा था। परीक्षित ने सोचा ये कौन है, तो बड़ा अन्याय कर रहा है, तुरंत परीक्षित ने तलवार निकाल ली अपनी, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, फैल जाए। जैसे ही परीक्षित मारने आए वैसे ही वो चरणों में गिर गया, कहा महाराज मारो मत मेरे को, मैं आपकी शरण में हूं, सरेंडर कर दिया, जो सरेंडर कर देता है उसकी सजा कम हो जाती है, होती नहीं होती, मारूंगा नहीं, लेकिन तू निकल जा मेरे राज्य से, कौन है तू, बोले महाराज मैं कलयुग हूं, कलयुग, हां मैं कलयुग का अधिष्ठात्र देव हूं, कल्कि, कलयुग तू क्यों आया है मेरे राज्य में, निकल जा मेरे राज्य से, वापिस हो जा, रिटर्न हो जा। बोले महाराज रिटर्न कहां हो जाऊं, मेरा टर्न है, मेरा समय है, जब भगवान ने लीला पूरी की अपनी द्वारिका की उसके बाद ही मेरा समय आ गया था, आपका राज्य ऐसा रहा कि मैं उस राज्य में आ नहीं सका, लेकिन अब मेरा समय है, और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, द्वापर चला जा चुका है पहले ही, मेरे को तो आना ही था, ऐसा करिए आप ही मेरे को स्थान दीजिए। तो कलयुग को उन्होंने चार स्थान दिए पहले, फिर पांचवा दिया, द्यूतम पानम स्त्रियः सूनम यत्र हिंसा चतुर्विधम पुनस्य याचमानाय चातुरूप मदात् प्रभु। द्यूतम सबसे पहले जुआ दिया, सबसे पहले जुआ दिया, जहां जुआ खेला जाता है, सट्टा लगाया जाता है, लाठी लगाई जाती है, शेर
का काम ज्यादा होता है, शर्त लगाते हैं लोग, सट्टा लगाते हैं, कैसीनो होता है, वहां पर तुम लोग उन घरों में, उन संस्थाओं में, उस जगह तुम रहो जाकर। दूसरा स्थान दिया जहां शराब पी जाती है, ध्यान देना आपके घरों में तो नहीं है स्थान पर, ध्यान देना मौसी, ध्यान ही रखना, आपके घरों में तो नहीं है इनमें से कोई स्थान, जुआ, दूसरा शराब और तीसरा दुराचार, पर स्त्री पर पुरुषों का संबंध, मांसाहार करने वाले के घर में कलयुग, शराब पीने वाले के घर में जो चरित्रहीन लोग हैं, पर स्त्रियों पर पुरुषों से जिनका प्रेम है, संबंध है, और जुआ खेलने वाले, तो जुआ, शराब, मांस और चरित्रहीनता, अपनी पत्नी के अलावा दूसरी तरफ भी इनकी नजर है, अपनी पति के अलावा दूसरी तरफ भी इनकी नजर है, ऐसे लोगों के घरों में कलयुग रहेगा। बोले महाराज ये स्थान ठीक नहीं है, क्योंकि आपके राज्य में ना तो कोई शराब पीता है, ना कोई मांसाहार करता है, ना कोई आपके राज्य में चरित्रहीन लोग रहते हैं, हमीरपुर में ऐसा कोई नहीं, मेरे को कोई एकाद ऐसा स्थान दो कि हमीरपुर में भी, अणु में भी मेरे को प्रवेश मिले। तब उनको दिया जहां बहुत ज्यादा धन का संग्रह है, खासकर अन्याय का धन, अन्याय का सोना, अन्याय का धन, पहले धन सोने में ही होता था, सोने के ही सिक्के चलते थे, लोहे के सिक्के नहीं चलते थे, सोने के सिक्के चलते थे, तो सोना ज्यादा, धन ज्यादा जमा है, ज्यादा आवश्यकता से अधिक बहुत पैसा जमा कर रखा है, वहां अबे जो बैल था वो कौन था जिसके तीन पैर काट दिए, वो बैल था धर्म, बैल था धर्म, धर्म के कलयुग तीन पैर काट देता है, धर्म के चार पैर होते हैं, चार चरण से धर्म आपके जीवन में आता है, चार पैर होते हैं, एक पैर होता है सत्य का, सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया और चौथा दान, कहीं कहीं थोड़ा अंतर भी है, मनुस्मृति में थोड़ा अंतर है, यहां सत्य, तप, दया और दान, ये चार पैर होते हैं धर्म के। धर्म खड़ा कैसे हो आपके घर में, चार पैर हो तब खड़ा हो, सत्य वाला पैर है जो कभी असत्य नहीं बोलता, जो बोल दिया उसका पालन करता है, उसको जो कह दिया उस बात को कभी झूठा नहीं होने देता, वह भी सत्य है। दूसरा तप है, गृहस्थी का तप क्या है, गृहस्थी तो जाकर हिमालय में नहीं बैठेगा, गृहस्थी का तप है, देखो हिमालय में जो बैठते हैं वो क्या करते हैं, सहन करते हैं, सर्दी को, गर्मी को, बरसात को, सबको सहन करके तपस्या करते हैं। तो गृहस्थी का तप क्या है कि सहनशीलता, घर में ही सहनशीलता, अपमान हो जाए, सम्मान हो जाए, सुख आ जाए, दुख आ जाए, उसको सहन कर ले, हर कंडीशन को फेस कर ले, ये गृहस्थी की तपस्या है, ये गृहस्थी की तपस्या होती है, गृहस्थ का तप ये कि वो सहन करे, जो सुख दुख आता है आपके कर्मों के फल स्वरूप, आपके ही कर्मों के फल से आता है, उसको स्वीकार कर ले, ये गृहस्थी का तप है, ये आप लोगों का तप है, उसको स्वीकार कर ले। आपको लंगोट लगा के नंगे होके बर्फ में नहीं बैठना, जाकर गंगा जी में खड़े नहीं होना, ठंड में अलकनंदा में खड़े नहीं होना, बद्रीनाथ में जाकर ठंडे पानी में, वो तप नहीं करना आपको, गर्मी में पांच धूने जलाकर पंचाग्नि तप नहीं करना, चार धूने चारों तरफ और ऊपर से सूर्य तप रहा है, बैसाख में, ज्येष्ठ में, मई जून में, वो पंचाग्नि तप कहते हैं, और सर्दी में, सर्दी में जल में खड़े होना, ठंडे जल में गंगा जी में बर्फ में, और बरसात में नंगे खड़े होकर बरसात को अपने ऊपर लेना,
और फिर साधना करते रहना, भजन करते रहना, वो तप है, मेरे ही कर्मों का फल है, ये मानते वो सहन कर ले। ऐसा मानते जब सहन कर लेगा, वो नया नहीं करेगा, पुराना भोग लेगा, तो मुक्त हो जाएगा। ये गृहस्थी की तपस्या। तो सत्य, तप, और तीसरा है दया, जीवों पर दया कर। दया से दुखी की सेवा होती है, दया से आप पाप से बच जाते हैं, मांसाहार से बच जाते हैं, दया से आप हिंसा से बच जाते हैं। दया नहीं हो तो आदमी बहुत राक्षस हो जाए महाराज। रोज कितने जीवों को मारते हैं लोग, कसाई लोग, निर्दयी लोग। तो दया, दुखी की सेवा करें, करुणा करके, दया करके। सुखी को देखकर खुश हो जाना और दुखी को देखकर करुणा करना। तो सत्य, तप, दया और चौथा दान। दान कलयुग में दान के लिए एक सीमा बता दी कि कम से कम 10%। पहले के युगों में ऐसा था कि 25% अपने काम में लगाओ और 75% दूसरों की सेवा में, 25% धर्म में, 25% समाज के लिए, 25% परिवार के लिए, 25 अपना, 75%। लेकिन कलयुग में केवल 10%, 10% अपना दसवांश धर्म के काम में लगाओ। 90 पैसा आपका शुद्ध है जब आपने 10 पैसा उसमें से निकाल दिया, तो नहीं तो वो सारा का सारा अशुद्ध है। अशुद्ध कैसे होता है? पैसा जो कमाते हैं आप, उसमें सारे समाज का सहयोग होता है, होता नहीं होता। आप दुकान करते हैं, अकेले दुकान कर लेंगे कोई ग्राहक ना आए तो। आप नौकरी करते हैं, नौकरी में कितने लोगों का सहयोग होता है? एक पूरा डिपार्टमेंट है कि नहीं? आप पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, अकेले कर लेंगे, अकेले स्कूल बना लेंगे, अकेले पढ़ा देंगे, अकेले पढ़ लेंगे, बोलो पूरी समाज का सहयोग चाहिए ना, तो पूरी समाज का योगदान है, इसलिए समाज के लिए 10% निकालना। प्लस कोई भी काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हिंसा होती है, असत्य होता है, किसी का अंश आ जाता है, दूसरे का भी आ जाता है, मुनाफा में ज्यादा हो गया, कभी नौकरी की नहीं, छुट्टी ले ली और एप्लीकेशन दी नहीं, काम पूरा नहीं किया और तनख्वाह ले ली, होता नहीं होता कई बार, छुट्टी ले ली, बीच में एक छुट्टी है तो छुट्टी और ले ली, संडे आ रहा है, करते ना लोग ऐसा। तो कुछ ना कुछ उसमें पाप होता है, कुछ ना कुछ हिंसा होती है, भोजन बनाओ उसमें भी हिंसा होती है, कितने कीड़े मकोड़े जलते हैं, आदमी चलता उसमें भी हिंसा होती है। बाकी आप कुछ दान करेंगे, कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ दूसरों को देंगे, तो उसमें उस पाप का परिमार्जन होगा, उस पाप का फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए रोज संध्या वंदन करें, पंच महायज्ञ बताए हैं, कीड़ियों को दाना आटा, गायों को रोटी, पक्षियों को चुग्गा, कुत्ते को रोटी, रोज हवन करना, स्वाध्याय करना, संध्या वंदन करना, ये घरों में रोज होना चाहिए। गृहस्थी के रोज होना चाहिए, अग्निहोत्र रोज होना चाहिए, थोड़ा बहुत हवन रोज होना चाहिए। अब तो ऐसे लोग हो गए धूप दीप भी नहीं करते, कई तो ऐसे पापी नहाते ही नहीं, वो नहाते ही नहीं, इनसे हिंसा का परिमार्जन होता रहता है। तो दान, सत्य, तप, दया और दान, ये चार चरण। तो धर्म का कलयुग ने 3 पैर काट दिए, सत्य का काट दिया, अब लोग असत्य बोलने लगे, बात बात में झूठ बोलने लगे। कई जगह हम जाते हैं, लोग मिलते हैं, भाई सत्संग में आना है, सभा में आना है, महाराज कल जरूर आऊंगा, तो बात को असत्य कर देते हैं। देखो जिनकी बात झूठी हो जाती है उनके पुण्य घट जाते हैं, जिनकी वचन जिनका झूठा होता है उनके पुण्य चले जाते हैं, याद रखो। थोड़े बहुत पुण्य तो करते हो वही चले जाते हैं, झूठ बोल बोल के, निंदा कर करके, चुगली कर करके, अपमान कर करके, थोड़े से तो पुण्य होते हैं जीवन में वही चले जाते हैं। कभी तीर्थ स्नान किया, कभी कथा सुनी, कभी सत्संग सुना, कभी किसी दुखी की सेवा की, और वही पुण्य आप खो देते थे। पुराने पुण्यों में से कटते हैं, नए में से नहीं कटते, नए कर्म तो आगे होंगे,
जो पुराने पुण्य है उसमें से कटते रहते हैं, पुराने अकाउंट से कटते हैं। नया अकाउंट तो अभी एफडी हो रहा है, इसमें से नहीं कटेंगे, पुराना जो है उसमें से कटेंगे। इसलिए सत्य का आचरण, तो कलयुग में सत्य वाला पैर कट जाता है धर्म का, दूसरा पैर है तप का, तप वाला भी कट जाता, सहनशीलता किसी में रहती नहीं है। तीसरा चरण है दया का, तो लोग दया भी नहीं रहती, निर्दयी हो जाते हैं, निर्दयी हो जाते हैं, अपने पेट में पल रहे बच्चे को भी माता मरवा देती है। क्या किया? बोले अबोर्शन, गर्भपात करा। इतने निर्दयी हो जाते हैं लोग, अपनी जीव के स्वाद के लिए कितने पशुओं की बलि होती है, कितने पशुओं की हिंसा होती है, कितने कसाई खाने हैं, कितना मांस बिक रहा है, खा रहे हैं। एक एक कर्म का हिसाब होता है, एक एक कर्म का। आज कभी कभी लोगों को दुख होता है, आपको हमको सबको होता है, तो हम भगवान को दोष देते हैं, लेकिन ये भूल गए हम क्या क्या कर आए हैं, क्या क्या करके आए हैं ये भूल जाते हैं, बस सीधा भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने हमको दुख दे दिया, भगवान ने दुख दे दिया। थोड़ी देर खिला लाओ उसको, उसकी माँ को दे दो, दादियां कथा में बच्चों को नहीं छोड़ते, उसकी माँ को दे दो, खिला लो आइसक्रीम, खिला लो आइसक्रीम, खिला लो। पैसे हम जाती है बचपन से ही पोतों से बहुत ज्यादा, धीरे 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 बंधन को हम मजबूत कर रहे हैं, जकड़ रहे हैं मोह से, आसक्ति से। तो ये चार चरण है धर्म के, सत्य तप दया तीन कट गए, दान वाला चौथा रह जाता है कलयुग में थोड़ा बहुत, 10% तो कम से कम देना चाहिए धर्म के लिए, समाज के लिए, रोगियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जो नीडेड है उसके लिए 10% 10%। कोई कहे हम तो 1% नहीं देंगे, क्या करोगे? ये ऋषि मुनि हमारा क्या करेंगे, वेदव्यास जी क्या करेंगे हमारा, सुखदेव जी क्या करेंगे हमारा, ये तो कुछ नहीं करेंगे आपका, लेकिन आपका जो धन है फिर पूरा 1 रुपया, जब 10 पैसा नहीं निकाला तो पूरा 1 रुपया अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध धन क्या होगा? बोले या तो डॉक्टरों के पास जाएगा, या वकीलों के पास जाएगा, या पुलिस वाले के पास जाएगा, या चोरों के पास जाएगा, या बच्चे बिगड़ेंगे, या तो बच्चे बिगड़ेंगे या डॉक्टर के पास जाएगा। एक आदमी किडनी खराब हो गई, 50 लाख रुपए लगे उसे, अभी ठीक नहीं हुआ पूरा, 50 लाख जितना कमाया था जितना सब चला गया, कर्जा करके और दिया, और दिया, हर महीने वो दिल्ली जाता था, हिमाचल तरीके से मंडी का, हर महीने वो दिल्ली जाता है, पहले चंडीगढ़ जाते थे अब दिल्ली जाते, 50 लाख खर्च हो गया। तो वो सबका सब धन अशुद्ध हो जाता है, इसलिए धन की शुद्धि के लिए 10% निकालते रहो, 10% निकालते रहो। चलो 10% आप निकाल नहीं सकते, इतने ज्यादा झटका नहीं देंगे हम आपको, 2% से शुरू करो, 3 से शुरू करो, कुछ बिगनिंग तो करो यार, कुछ तो करो, कुछ प्रैक्टिकल नहीं करते, केवल सुन लेते, केवल सुन लेते, सुनते भी -1% है लोग, -1% लोग बैठे, 15-20 लोग बैठे भाइयों, तो 1% भी नहीं है। आबादी होगी 2 लाख पूरे जिले की, क्षेत्र की अणु की ही कितनी आबादी होगी, 10,000 तो होगी ऊपर से नीचे तक। सुनने में ही पीछे है और करने में कितने पीछे हैं। तो कलयुग को ये 5 स्थान दिए, जुआ दिया, शराब दिया, मांसाहार दिया, और चरित्रहीन लोगों के घर में रहे, और 5वां स्थान दिया धन का, बहुत संग्रह है, बहुत धन का संग्रह है, वहां रहे। अब इनमें कलयुग आ गया, इन घरों में इसकी पहचान क्या,
पहचान क्या? पहचान ये है कि वहां कलह शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगा? कलह शुरू हो जाएगी, क्लेश शुरू हो जाएगा। कलयुग सबसे पहले कलह कराता है। क्या कराता है बताओ बहनों, बोलो। क्लेश कराता है, कलह कराता है, लड़ाई करवाता है। क्लेश छोटा रूप है, लड़ाई थोड़ा स्थूल रूप है उसका, बड़ा रूप है ये कलयुग का लक्षण है, परिचय है। जिस घर में कलयुग आ गया कलह शुरू हो जाएगी, बाप बेटे में, पति पत्नी में, सास बहू में, तू तू मैं शुरू हो जाएगी, तू तू मैं शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर खिलाओ, आइसक्रीम खिलाओ, आइसक्रीम खिलाओ, आइसक्रीम खिलाओ, लो आइसक्रीम के पैसे हम चले जाए, नहीं जाएंगे। और लोग भी कथा देख रहे हैं, देखो टीवी पर, आप डिस्टर्ब करेंगे तो लोग कहेंगे कि अणु वाले परमाणु वालों से पीछे होंगे, परमाणु वालों से आगे रहना, अणु वालों से। कल ये चला रहे थे लेकिन आवाज साफ नहीं थी, तो ऑपरेटर को ध्यान देना चाहिए, रिकॉर्डिंग ठीक हो, आवाज ठीक हो, काम करो तो ठीक करो, क्वालिटी अच्छी। एक भाई ने कहा महाराज सुनाई नहीं दे रहा हमको, आवाज साफ नहीं, फोन किया हमको, टीवी पे आ रही है कथा, शाम को आती है लेकिन आवाज साफ नहीं। तो भाई ऑपरेटर लोगों को ध्यान देना चाहिए, माइक वालों को भी ध्यान देना चाहिए, ऑपरेटर को भी ध्यान देना चाहिए, ये मेरा काम नहीं। सब श्रोताओं का भी काम है, विक्षेप ना हो, डिस्टर्ब ना हो। तो नारायण वहां पर कलयुग आ गया किसी घर में, तो पहचान ये बताई कि कलह शुरू हो जाएगा, क्लेश शुरू हो जाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी, और बुद्धि धीरे धीरे उसकी विकृत होती जाएगी, बुद्धि में दोष आ जाएगा, उल्टी सोच आ जाएगी, अहंकार बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, पति में भी, पत्नी में भी, बेटे में भी, बेटी में भी, सास में भी, बहू में भी, ईगो हर्ट बढ़ता जाएगा, ईगो हर्ट बढ़ता जाएगा, मेरी चले घर में, मेरी चले, ये होता ना, पत्नी कहती घर में मेरी चले, मेरी चले, मैं तो बहुत खतरनाक बाप की बेटी हूं, मेरी चले, पूरे अणु में मेरी चले। पति कहता है कि मालिक मैं हूं, मेरी चले, वो कहती चुप रहो तुम तो नौकर हो, मेरे मेरे पिता ने नौकर ढूंढ के। तो कलह शुरू हो जाती है, यहां से अहंकार आता है, फिर कलह शुरू होती है, और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, तलाक 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 शुरू होता है, कोर्ट कचहरी शुरू होते हैं, गोलियां चलती हैं, लोग अस्पतालों में जाते हैं, वकीलों के पास जाते हैं, और फिर धीरे धीरे नरकों में जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस यहां शुरू होती है कलह से, पूरी प्रक्रिया कलह से शुरू होती है। इसलिए घर में जब कलह शुरू हो तभी कलयुग को जब धन दिया, खासकर अन्याय का धन, तो राजा परीक्षित के मुकुट में आकर सवार हो गया, क्योंकि परीक्षित ने जो मुकुट पहना था उस दिन, वह मुकुट जरासंध किसी राजा को जीत कर मार कर जबरदस्ती उसका छीन कर लाया अपने बलपूर्वक, अन्याय का था। और परीक्षित ने आज खजाने में देखा, सुबह सुबह पुराना खजाना खुलवाया तो देखा एक बड़ा सुंदर मुकुट था, सोने का मुकुट था, हीरे जड़े हुए उस पर चमकदार, बस वही पहन लिया। पूछा नहीं कहां से आया है, क्या है, हर एक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, कहां से आया है, किस कौन लाया है, किसने दिया है, हर एक चीज हमने संतों को देखा, हर एक चीज नहीं खाते, कौन लाया है भाई, पूछते हैं कौन लाया है। एक संत थे वहां ऊपर गंगोत्री में रहते थे, कोई फल लाता तो बांट देते, सब बांट देते, बोले महाराज अपने लिए रखा करो, नहीं फिर शिष्य अगर उनको देते तो कहते कौन लाया है, फला आदमी लाया है, वो कहते नहीं खाना, उनका अपना सिद्धांत था, अपना विचार था,
ठीक है आपको अजीब लगेगा लेकिन उनका अपना धर्म था, नहीं खाते हर एक दिन, कोई भी साल नहीं लेते ओढ़ने का, कहीं मांस तो नहीं बेचता, कहीं जुआ तो नहीं खेलता, इसके घर में सब लोग सदाचारी है कि नहीं, हर एक की रोटी नहीं खाते थे, रोटी तो खाते ही नहीं थे, फल खाते थे, हर एक घर का दूध नहीं लेते थे, तब बुद्धि शुद्ध रहती है, आहार शुद्ध रहता है तो बुद्धि शुद्ध होती है। तो किसी का भी कपड़ा पहन लिया, किसी के भी मुकुट लगा लिया, किसी की टोपी लगा ली, किसी नेता ने दी और आपने लगा ली, चलो नेताजी ने दी लगा ली, विचार करना चाहिए, अपनी खरी कमाई की मेहनत की कमाई से ये वस्त्र लिया है कि किसी ने भी दिया है गिफ्ट में, गिफ्ट में दिया है तो ले लो कोई बात नहीं, लेकिन वो आगे दे दो, किसी को दे दो, जो ब्राह्मण को दे दो, जो नीडेड है उसको दे दो, जरूरतमंद है जिसको ठंड लग रही है नंगा है उसको दे दो, स्वेटर बहुत महंगा अच्छी चीज है हम नहीं देंगे ऐसा नहीं, अगर गलत आदमी का है तो दे दो उसको, रखो महाराज यहां तक लिखा है कि हर किसी की चप्पल नहीं पहनना चाहिए, अपनी ही चप्पल पहनना, रोग भी आ जाएंगे उसमें, एलर्जी होने की संभावना है, किसी की भी चप्पल, किसी की भी साबुन, किसी के जूते, किसी कपड़े, हर आदमी के चीज यूज नहीं करना चाहिए, क्या पता कैसे आदमी का है। तो मुकुट जो लगाया वो मुकुट जरासंध किसी राजा को जीत कर जबरदस्ती उसको मार कर लाए थे, वो मुकुट था अन्याय का था। कलयुग उसमें सवार हो गया, परीक्षित आगे चले, भूख प्यास से व्याकुल थे, दोपहर का समय था, एक आश्रम में पहुंचे थे, आश्रम में देखा कोई भी नहीं है, सब लोग गए हुए थे, कोई जंगल में औषधि लेने गया था, कोई कहीं जंगल में जाकर भजन साधना कर रहा था, कोई स्नान करने गया था नदी में, एक बूढ़े संत थे वो कहीं नहीं गए थे, वो कुटिया के अंदर बैठे थे, कुटिया के भीतर देखा बैठे हुए, एक कुटिया बाहर है, बरामदा है, फिर अंदर है, लेकिन वो भी समाधि में थे। लेकिन कलयुग में बुद्धि उल्टी हो जाती है आदमी की, उनकी समाधि को इन्होंने झूठा मान लिया, पाखंड मान लिया, संशय कर लिया, डाउट हो गया कि इन्होंने जानबूझकर मेरे को देखकर आंखें बंद करके बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए, ओम ओम करने लगे, देखो ये झूठी समाधि, मृथा समाधि आरवस, सच्ची समाधि नहीं। ऐसा उन महापुरुषों पर अविश्वास हो गया, अश्रद्धा हो गई, संशय हो गया। अच्छा परीक्षा लेता हूं, झूठी समाधि या सच्ची समाधि। वहां एक सांप पड़ा था, उस सांप को अपने बाण से उठाया राजा ने और संत के गले में डाल दिया, बाण से उठाया और बोलो संत के गले में डाल दिया। यहां देखो भगवान कथा वो थोड़ी सुना रही है, मैं सुना रहा हूं। हमारी क्लास में बच्चे बहुत आगे डालकर संत की समाधि तो सच्ची थी, उनको कोई पता नहीं चला, समाधि में आदमी शरीर से ऊपर उठ जाता है, शरीर में क्या हो रहा है, शरीर को काट दो तो भी पता नहीं चलता, ऐसी हालत होती है, देहातीत हो जाता है। जब उसके पुत्र को पता चला कि तुम्हारे पिताजी के गले में राजा ने सांप डाला है, उसके पुत्र जो सिंगी थे बहुत क्रोधित हुए और श्राप दे दिया, जिस भी राजा ने ऐसे किया है आज से 7 दिन तक्षक उसको काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षका सप्तमी यानी हाथ में जल लेकर कौशकी नदी का और श्राप दे दिया। तपस्या की शक्ति से श्राप दे सकते हैं, वरदान दे सकते हैं, लेकिन वही दे सकते हैं जो जवान से कभी झूठ नहीं बोलते। तपस्या तो करते हैं लेकिन झूठ नहीं बोलते।
कभी किसी की निंदा नहीं करते, चुगली नहीं करते, किसी का अपमान नहीं करते, गाली नहीं देते, चार दुरुपयोग जो नहीं करता उसकी जबान में श्राप देने की और वरदान देने की शक्ति आ जाती है। ध्यान देना, ये चार दुरुपयोग है। जीभ है तीन अंगुल की आपकी और पाप करती है चार, तीन अंगुल की होगी, हमीरपुर वालों की और ज्यादा लंबी नहीं होगी, नाक को तीन इंच की होगी, इतनी होगी ना लगभग, और पाप करती है चार साढ़े, दोष इसमें चार है जीभ में, असत्य का, झूठ का, निंदा, चुगली, अपमान कर देना किसी का और अपशब्द, गाली बोलना, चार दोष है जवान में। ये चारों दोष सारे जवान के तेज को, शक्ति को समाप्त कर देते हैं। नाम जबकि नाम स्मरण की शक्ति, नाम स्मरण सभी करते होंगे लेकिन नाम के सिमरन की जो शक्ति है वो समाप्त कर देती है जवान, कुछ नहीं रहता, सब खत्म, खल्लास थे गए खत्म। ये चार चार दोष है, इन चारों दोषों से जो बच जाए फिर पांचवा दोष है पराया अन्न ना खाए, पराया अन्न ना खाए। एक माता जी को हमने देखा कथाओं में जाती हैं, कहीं जाती हैं तो प्रसाद का भी एक कण ले लेती हैं, बस भोजन वगैरह नहीं करती, भंडारा वगैरह नहीं करती, एक कण ले लेती। कहते महाराज कौन लाया है अन्न, कौन लाया, हम आप तो विचार ही नहीं करते, खा डाल दो। तो उस अन्न को खाने से मन शुद्ध रहेगा, वजन होगा। भले ही वो ठेका वाला खिला रहा है, भले ही वो जुआ वाला खिला रहा है, लॉटरी वाला खिला रहा है वो रोटी, लेकिन वो हम विचार नहीं करते, खा लेते हैं, ले भी आते हैं, सारे परिवार को कहते हैं कि चलो थोड़ा थोड़ा पुण्य सबका खर्च करो, मंदिर को मोबाइल साहब के बंद रहना चाहिए, घंटी सबकी बंद रहना चाहिए, अच्छे लोग हैं आप लोग। इसलिए चार दोष से रहित हो वो तपस्या उसकी बढ़ती है, फिर नाम जप करे, मंत्र जप करे, अनुष्ठान करे तो शक्ति आ जाती है, और वह शक्ति से आप किसी को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। किसी की संतान नहीं है आप दे सकते हैं, किसी की नौकरी नहीं है आप दे सकते हैं, किसी को बीमारी है आप उसको स्वस्थ कर सकते हैं केवल बोलने से। इतनी शक्ति भगवान ने अणु वालों को दी है, क्या समझे, इतनी शक्ति है मौसी आप लोगों के पास, लेकिन वो झूठ से, निंदा से, चुगली से सब चली जाती है, वो शक्ति सब खर्च हो जाती है। श्राप दे दिया, तक्षक के काटने से आज से सातवें दिन इसकी मृत्यु हो जाए। देखो हम लोगों की जब मृत्यु होगी तो सात दिनों में ही होगी, या तो रविवार को होगी, या सोमवार को होगी, या मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, या शनिवार को, सात दिनों में ही सबकी मृत्यु होनी है। सभी परिचित हैं, सबको सावधान रहना है, सबको सात दिन मिले, आठवां दिन तो है क्या, रविवार से शनिवार तक सात ही दिन होते हैं, सातों दिन में ही आपको जाना है, आठवां दिन नहीं मिले। बिल्कुल बात ना करें चौहान जी, बिल्कुल बिल्कुल ही बंद कर दो, हमको दिखाई ना दे आप, यहां से बिल्कुल ही पैक कर दो, आप लोग ध्यान दो थोड़ा, आप सभी यजमान है हमारे, सभी यजमान है, सभी अन्नदाता हैं, सबका कर्तव्य है दूसरों को भी सुनाओ और विक्षेप रहित होकर, कोई डिस्टर्ब ना हो, सत्संग है ये दुर्लभ सत्संग की बातें हैं।
धीरे धीरे इन बातों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने का प्रयास करो। ट्राई करोगे तो कोई मुश्किल नहीं, सब मनुष्यों के लिए है, ये मनुष्यों के लिए है, एक और किसी के लिए नहीं है, ये हमारे आपके लिए है। ये तक्षक के काटने से मृत्यु होगी, ऐसा श्राप क्यों दिया? बात ये थी कि तक्षक नाग का अर्जुन से बैर हो गया था, अर्जुन को वैरी मानता, अर्जुन तो नहीं मानता था उसको वैरी। अग्निदेव ने खंडप्रस्थ जलाया, अर्जुन ने अग्निदेव की हेल्प की और तक्षक का एक परिवार खंडप्रस्थ में जलकर भस्म हो गया। अर्जुन ने हमको बचाया नहीं, अर्जुन ने अग्निदेव की सहायता की, इसलिए मेरा परिवार जल गया, ऐसा मानकर तक्षक अर्जुन को वैरी मानने लगा था। तक्षक को वैरी मानने लगा था कि तक्षक मेरा वैरी है, मतलब के बीच में सबको रखना चाहिए। होता यह है कि कथाओं में इस तरह की परंपरा नहीं, हमारे देवभूमि में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक जगह कथा हो रही थी, हमको बुलाया एक घंटे के लिए, हम गए तो देखा कोई मोबाइल पे बात कर रहा है, कोई माई पूछ रही पुत्र आया कि नहीं आया स्कूल से, कोई पूछ रहा है सब्जी बनी कि नहीं बनी, कोई पूछ रहा है माल आ गया नहीं आया दुकान पर, कोई आ रहा है कोई जा रहा है कोई चढ़ा रहा है, बता दिया। एक श्रोता का ध्यान एक बात पर नहीं जाता, एक भी श्रोता का ध्यान एक भी बात पर नहीं था। अर्जुन को तो मार नहीं पाया, एक दो बार आया मारने के लिए, लेकिन भगवान ने रक्षा की, महाभारत में कथा है। कर्ण के पास भी एक बार आया, कर्ण के बाण पर बैठ गया, कर्ण ने कहा नहीं, कर्ण धोखा नहीं करता युद्ध में, मैं अपने पुरुषार्थ से लड़ूंगा, जीतूंगा या वीरगति को प्राप्त होगा, तुम जाओ। तक्षक की बात को अनसुना कर दिया कर्ण ने। अब कर्ण भी नहीं मानता तो अर्जुन को कैसे मारूं? थोड़ा साइलेंस। तो अर्जुन को नहीं मार पाया, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु जल्दी चला गया, अब अभिमन्यु का बेटा परीक्षित है, इसको ही मारूंगा, दादा को नहीं मार पाया, बाप को नहीं मार पाया, पोते को मारूंगा। ये दुष्ट होते हैं ना, इनका बैर जल्दी खत्म नहीं होता, कई पीढ़ियों चलता है। तीन प्रकार का बैर बताया है, पत्थर की लकीर, पानी की लकीर और रेत की लकीर। पानी में लाइन खींचो कितनी देर रहेगी बोलो? तुरंत समाप्त हो जाएगी। और रेत में लाइन खींचो तो थोड़ी देर रहेगी, और पत्थर में छेनी हथौड़ी लेकर लाइन खींचो तो वो रहेगी। पत्थर की लाइन जल्दी मिटेगी बोलो? तो दुष्ट का जो क्रोध है, दुष्ट का बैर है, वो पत्थर की लाइन है, वो जल्दी मिटती नहीं, वो जल्दी छोड़ता नहीं, वो पकड़ देता है बात किसी तरह। इनको तो मैं देख लूंगा, मेरा चाहे अणु वाला प्लांट बेचना पड़े, लेकिन इसको तो मैं हाईकोर्ट लेके जाऊंगा। क्या समझता है? इसको तो चंडीगढ़ शिमला हाईकोर्ट लेके ही जाऊंगा। क्या समझता है? मैं भी चौहान हूं, क्या समझता है? तो जल्दी छोड़ती नहीं है उस क्रोध को, उस बैर को। कहते हैं क्रोध अंदर लेकर जो मरता है वो सर्प की योनि में जाता है, बैर लेकर मरता है, इसलिए निर्बैर होकर मरना चाहिए। निर्बैर होकर मरो, राजीनामा कर लो, हृदय से माफ कर दो, अंगला न करे तुम कर दो। देखो हमारे यहां होली आती है, दिवाली आती है,
ये होली दिवाली पर्व पर दूसरे दिन राम राम करने जाते हैं। यहाँ जाते नहीं जाते पता नहीं, जाते हैं नहीं जाते, अच्छी बात है जाया। दूसरे दिन सबसे मिलने जाते हैं, मिठाई खिलाने जाते हैं, मिठाई खाने जाते हैं, राम राम करने जाते हैं। तो उस दिन क्षमा मांगनी चाहिए, वो क्षमा पर्व है, उस दिन क्षमा मांगनी चाहिए जाकर कि भाई आज त्योहार का दिन है, मेरे से जो गलती हुई है साल भर मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। उस दिन अपनी मूछ थोड़ी नीची रखनी चाहिए, थोड़ा ईगो कम कर दो तो बच जाएंगे दुर्गति से, थोड़ा झुकने से बच जाए दुर्गति से। तो सस्ता ही तो सौदा है, सस्ता है नहीं महंगा है। उस दिन क्षमा मांग लो सबसे, हमारी गलती है क्षमा मांग लो, उसकी गलती है क्षमा कर दो, गले लगा लो दूसरों को, जैसा स्वभाव बना लो वैसे उन्हीं में जाना पड़ता है। कई कलियों के गुरु हैं वो ठेका लेते हैं, हम आदमी का आदमी बनाएंगे, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, भगवान की सृष्टि को बदलने का ठेका लेते हैं, कर्म के सिद्धांतों को पलटने का ठेका लेते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। खैर, तक्षक ही वहां मरे हुए रूप में पड़ा था और तक्षक ही उस कलयुग के सांस मिलकर परीक्षित की बुद्धि बिगाड़ दी। तक्षक ने कलयुग के साथ मिलकर जो मरा हुआ सांप डाला, और मरे हुए सांप के रूप में और कोई नहीं था, जिंदा तक्षक ही था। पहले अच्छे लोग सांप को मारते नहीं थे, आज भी अच्छे लोग सांप को नहीं मारते, बहुत कम अच्छे लोग सांप को मारना नहीं चाहिए। जो जहरीली गैस है ऑक्सीजन में जो जहर है उसको सांप खींच लेता है, इतना अच्छा इतना उपकारी जीव है। तो उस समय जरा सोचो 5000 साल पहले और संतों के आश्रम में, ऋषियों के आश्रम में सांप को कौन मारेगा, खुले घूमते थे। वो मरा हुआ सरपंच का तक्षक स्वयं था और तक्षक ही ऋषि कुमार की बुद्धि में जाकर बैठ गया, तो उसने श्राप दिया कि तक्षक के काटने से परीक्षित की मृत्यु होगी। सातवें दिन तक्षक सप्तमी है। राजा जब गए महल में मुकुट उतार के रखा, मुकुट उतारते ही इनको अपनी भूल का ज्ञान हुआ, पश्चाताप हो गया, बहुत पछताने लगे, अरे राम राम मैंने बहुत बुरा किया है, एक संत का अपमान कर दिया मैंने, हमारे कुल में किसी ने नहीं किया था ऐसा, हम क्षत्रिय लोग राज्य करते हैं ये संतों की ही कृपा है और मैंने एक संत का अपमान कर दिया, बहुत दुखी हुए, बहुत पछताए, हमेशा संतों का चरणों तक लेता था, आज मैंने संतों का अपमान कर दिया। महाराज दुखी हो गए, अच्छे लोगों से भी गलती हो जाती है लेकिन उनको पश्चाताप भी हो जाता है, अच्छे लोगों से भी गलती होती लेकिन पश्चाताप हो जाता है, और जो दुष्ट लोग होते हैं उन्हें कोई पश्चाताप नहीं होता, वो गलती को जस्टिफाई करते हैं, मैंने क्या किया, ठीक किया मैंने, वो ऐसे ही था इसलिए उसको ऐसा बोला मैंने, ऐसा कहा, लेकिन उनको पश्चाताप हो जाता है बाद में, पश्चात जब पता चलता है अपराध का ज्ञान होता है तब ताप हो जाए, दुख हो जाए, उससे आधा पाप नष्ट हो जाता है, और जिनको अपने पाप का पछतावा नहीं है, दुख नहीं है, उनके पाप और बढ़ते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। परीक्षित को बड़ा पछतावा हुआ, सोचा चलो मैं संतों के पास चलता हूं, उनसे ही कोई प्रायश्चित पूछता हूं, दंड पूछता हूं कि महाराज राजा सबको दंड देता है लेकिन राजा को भी दंड देने वाले महापुरुष हैं, संत हैं। राजा तैयारी करता है संत को पास जाने के लिए, तब तक समाचार आ जाता है सावधान, महाराज अब सावधान हो जाइए, केवल 7 दिन आपके पास शेष हैं, 7वें दिन तक्षक के काटने से आपकी मृत्यु होनी है, एक ऋषि कुमार का श्राप आपको मिल चुका है। राजा बहुत प्रसन्न हो गए, दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हो गए, चलो नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, मेरे पाप का फल यही हो गया, सर्प के काटने से मेरी मृत्यु होगी 7 दिन, लेकिन संतों की कृपा देखो 7 दिन दे दिए मेरे को,
वो चाहते तो आज ही मेरे को भस्म कर सकते थे, इतनी शक्ति उनकी तपस्या में थी, उनकी जवान में थी, आज ही भस्म कर सकते थे, लेकिन 7 दिन मेरे को दे दिए। संतों की बड़ी कृपा है, 7 दिन का समय मेरे को मिल गया। अब 7 दिन घर में नहीं रहना, मरने वाले को गंगा किनारे जाकर अपना उद्धार करना। 3 प्रकार की मृत्यु होती है, सात्विक, राजस और तामस। जो घर में मरता है, पोतों को याद करते करते मरती हैं, खासकर दादी हैं, दादा लोग, उनकी रजोगुणी मृत्यु है, फिर पोते के बेटे बनकर, पोते की पोती बनकर फिर आ जाओगे। रजोगुणी मृत्यु है। अस्पताल में जो मरते हैं वो तमोगुणी मृत्यु है। जल्दी मनुष्य जीवन नहीं मिलता, कीट पतंग क्यों नहीं मिलती है। चीड़ फाड़ होते होते शरीर के दुर्गति होते होते फिर जाए, अंतिम संस्कार भी ठीक से ना हो, फिर पोस्टमार्टम भी ले जाओ, फिर ये तमाशा। वो तमोगुणी मृत्यु है। और घर से बाहर किसी कुटिया में गंगा किनारे, यमुना किनारे शरीर छूटे, वो है सतोगुणी मृत्यु है। तो गंगा किनारे शरीर छोड़ना है सतोगुणी मृत्यु है। घर में पोत्र को याद करते करते मरना है रजोगुणी मृत्यु। और अस्पताल में मरना, किसी भयंकर बीमारी में सड़सड़ के शरीर छूटे, ये तमोगुणी मृत्यु। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण दुर्तिष्ठा, अधो गच्छन्ति तामसा। अधोगति में जाता है तमोगुणी, रजोगुणी मध्य में ही रहता है, फिर वापिस रिपीटेशन हो जाता है, मनुष्य जीवन में जाता है। और सतोगुणी ऊर्ध्व लोक में जाता है, देवलोक में जाता है, स्वर्ग आदि लोकों में जाता है। तमोगुणी नरक आदि लोकों में जाता है। कोशिश करना चाहिए, अपने हाथ में पूरी बात तो नहीं है, लेकिन थोड़ी कोशिश करना चाहिए कि मृत्यु सतोगुणी बने, सतोगुणी मृत्यु बने। भगवान का स्मरण करते करते गंगा का किनारा हो, इतना तो करना स्वामी है। भगवान की प्रार्थना करते करते, उपासना करते करते शरीर छूटे, गंगा किनारे छूटे या यमुना किनारे छूटे या किसी तीर्थ में छूटे शरीर, भगवान का स्मरण करते करते, जहां घर वाला कोई ना हो, ना बेटा हो पास में, ना पोता पास में हो, कोई ना, कोई भी पास में ना हो, वहां पर शरीर छूटे, ऐसी कोशिश करना चाहिए। परीक्षित आगे गंगा किनारे, और महाराज गंगा किनारे जैसे ही परीक्षित आए, अपने बेटे जन्मेजय को बुलाया, बड़े बेटे को, जन्मेजय काम ही है जी पिताजी, पिताजी तो करके सिंहासन से बेटे को बिठा दिया, इधर बैठो पिताजी, मैं तो अभी बच्चा हूं, बच्चे का बच्चा, बैठ, अब टाइम नहीं है, तुरंत बिठा दिया, ना कोई फंक्शन, ना कोई राज्यभिषेक, बस एक थोड़ा सा मंत्र पढ़ा ऋषियों ने, वेदव्यासी ने, और तिलक किया और मुकुट रखा और बस चल दिया। अब बलकल वस्त्र पहन लिए, सादे वस्त्र पहन लिए, अन्न छोड़ दिया, आज से 7 दिन कुछ नहीं खाऊंगा मैं, जल छोड़ दिया और बोलना छोड़ दिया, कुछ नहीं बोलूंगा भगवान के नाम के अलावा। बोलना था जितना बोल लिया, अब बेटों को बोलने दो, अब बच्चों को बोलने दो, अब बहू को बोलने दो, जितना बोलना था बोल दिया, अब मौन हो जाओ। खाना था जो खा लिया, अब ज्यादा स्वाद में मत रहो। ऐसा सतोगुणी जीवन बनाकर शरीर छोड़ना चाहिए। कला बताई संतों ने, जन्मेजय को राज्य गद्दी पे बिठाकर और ये चल देते थे, चल पड़ते हैं। कहां चल पड़ते हैं? गंगा किनारे, हस्तिनापुर के पास ही शुक्रताल है। शुक्रताल तो नाम उसका बाद में पड़ा, जब सुखदेव जी आए तब शुक्रताल नाम पड़ा। गंगा तीर्थ में चल देते, और गंगा जी का अवतरण ही हुआ इसलिए कि जितने भी वृद्ध हैं आ जाएं, मेरे गोद में ही सो जाएं हमेशा के लिए, इसलिए गंगा जी आई है।
गंगा किनारे आकर अनशन करके बैठ जाते हैं। अब ना किसी से बोलूंगा, ना किसी से बात करूंगा, ना कुछ खाऊंगा पीऊंगा, कुछ। अब सीधा भगवान का स्मरण करते करते भगवान के धाम में जाना। संतों को पता लगता है कि परीक्षित को श्राप हो गया, तब बहुत से संत वहां आ जाते हैं, बहुत से महापुरुष वहां आ जाते हैं। कौन कौन से बड़े बड़े महापुरुष, अत्री, वशिष्ठ, चमन ऋषि, परशुराम जी, विश्वामित्र जी, वेदव्यास, अत्री, वशिष्ठ, चमन, शरद, अंतिम समय में परीक्षित से मिलने के लिए सब आ गए। सबको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी घटना हो गई, परीक्षित जैसे राजर्षि को श्राप दे दिया, किसने दे दिया बिना विचारे। इतने संतों का दर्शन मेरे को हो रहा है, आइए महाराज, बहुत सुंदर बात है। और परीक्षित सबकी पूजा कर रहे हैं और कहा, महाराज आप मेरे को, आप मेरे को भगवान की कथा सुनाइए, भगवान की कथा सुनना सुनते सुनते मरना चाहता हूं मैं। अब कथा सुनाने की बैठिए, मैं तो छोटा हूं, मैं तो बड़ा अज्ञानी हूं, आप बैठिए। वो कहते हैं आप बैठिए, परशुराम जी कहते हैं आप बैठिए महाराज, विश्वामित्र जी से, विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठ जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं वेदव्यास जी बड़े विद्वान है, भगवान बोले सुखदेव भगवान की। यहाँ पर सुखदेव को भगवान शब्द से कहा गया है। तत्रावद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षा अलग अवधूत वेश है नंग रंग। जैसे श्री कृष्ण है वैसे ही सुखदेव जी घुंघराले बाल है, श्याम वर्ण है, बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे। अंतर है तो इतना है कि वो पीतांबर धारण करते हैं और ये दिगंबर है, नग्न है बिल्कुल। उनकी माता यशोदा उनको, यशोदा मैया घुंघराले बालों में मोर मुकुट बांध देती थी। क्यों भाई, एक एक से बोलना पड़ता है, एक एक से क्यों बोलना पड़ता है, सारे एक साथ क्यों नहीं सुनते, बोलो। मोर मुकुट लगा देती है यशोदा मैया, और इनकी तो मैया है नहीं, पास में तो जंगल में रहते हैं, लेकिन वैसे ही घुंघराले बाल, वैसे ही कमल जैसे, सब उठ के खड़े हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे, वो भी उठ के खड़े हो गए। ज्ञानी बड़ा है, संतों में, ब्राह्मणों में ज्ञानी बड़ा है, क्षत्रियों में जो बल ज्यादा है वो बड़ा है सूरवीर, वैश्यों में पैसा वाला बड़ा है बनियों में, और शूद्रों में आयु से बड़ा बड़ा है, आयु से बड़ा केवल चतुर्थ वर्ण में, वैश्यों में धन से जो बड़ा है, बड़ा सेठ है वो बड़ा है। जब सुखदेव जी घर से चले तब वहां पर वेदव्यास जी भी आए पीछे पीछे, तो अप्सराएं स्नान कर रही थी, अप्सराएं जब स्नान कर रही थी वहां पर सरस्वती में, रिक्मंदा में, तो वेदव्यास जी को देखकर सबने बाहर आकर गीले वस्त्रों के ऊपर सूखा वस्त्र ओढ़ लिया, सिर लट लिया, आकर प्रणाम किया। वेदव्यास जी का बच्ची हो, मैं तुम्हारे बाप की, बाबा की उम्र का हूं और मेरे से तुम शर्माती हो, मेरा जवान पुत्र अभी अभी निकला है यहां से, उसको देख के तुम्हें शर्म नहीं आई, स्नान करती रही, न सिर ढका तुमने, न प्रणाम किया। बोले महाराज क्षमा करना, आप हमारे ही भले ही बाप।